सावनेर तालुका के ग्राम तेलंगखेड़ी में कोलार डैम के किनारे स्थापित नवनाथ आश्रम में दत्त जयंती के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। सुबह नवनाथ महापूजा और दत्ताभिषेक किया गया। दोपहर महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर विविध गांव कस्बे के भाविकों ने हाजिरी लगाई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु श्रीराम कड़ेसकर, अशोक हिवरकर, श्रेयस गिरडे, वामन जोटी, प्रवीण गिरडे और अन्य नाथ भक्तों ने प्रयास किया। कोलार डॅमच्या काठी वसलेल्या या मंदिरात अतिशय निसर्गरम्य अशा वातावरणात दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी सुद्धा श्री दत्त जयंतीचा कार्यक्रम अतिशय उत्साहाने आणि भक्तिभावाने संपन्न होत आहे। या मंदिराचं वैशिष्ट्य असं की हे मंदिर 40 वर्षापूर्वी स्थापन झालेलं होतं आणि इथे नवनाथांच्या मूर्त्या आणि दत्तांचं मंदिर सुद्धा आहे। यासोबतच गजाननांचं आणि हनुमंताचं मंदिर सुद्धा आहे। तर मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी गर्दी करतात आणि महाप्रसादाचा आस्वाद घेतात, इथून दर्शन घेतात आणि अतिशय प्रसन्न आणि अतिशय भक्तिभावाची भावना घेऊन ते आपल्या घरी परततात। धन्यवाद। NBC News के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।